क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस लाइक होल फॉर डेली रेसिपीज़ वालेकुम दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन शामी कबाब चिकन शाबी कबाब हर घर में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और डिफरेंट ओकयस पे ये लाजमी बनाए जाते हैं लेकिन एक शिकायत इसकी वजह से मिलती है कि जिस तरह बाज़ार में एक रेशेदार चिकन शामी कबाब मिलते हैं घर में वैसे नहीं बनते तो इसको बनाने के लिए कुछ खास टिप्स हैं जो कि आज मैं आपसे शेयर करूँगी अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इन आपका बाज़ार से भी बेहतर बन जाएंगे लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को फुल देखें क्योंकि आपसे अगर कोई भी टिप मिक्स मि, ए, मिस होती है या कोई भी स्टेप मिस होता है तो उससे क्या होगा कि आपकी रेसिपी पे असर पड़ेगा तो चलें चलते हैं इसको बनाने की तरफ सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं लहसन के जवे आप लेंगे छः से सात अदद अदरक के आप टुकड़ा ले लेंगे दो इंच का लाल मिर्च लेंगे आप साबित चार से पाँच अदद, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़ीरा लेंगे आप वन टीस्पून, सूखा धनिया लेंगे आप वन टीस्पून, नमक हसबे जायका या फिर टू टी टीस्पून जो है इसमें बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में आ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर आप ले लेंगे वन टीस्पून हल्दी ले लेंगे आप हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ले, ले लेंगे आप वन टीस्पून एक और ऑप्शन है इसमें आलू का मैं एक बड़ा साइज़ का आलू ले रही हूँ ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहें तो आलू आप ज़रूर डालें इससे आपके जो शामी हैं बहुत ही स्टिकी और बहुत ही अच्छे बनते हैं तो ये आलू ले लेना आपने एक बड़े साइज़ का उसके बाद इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ले लेंगे जो कि है चिकन चिकन मैंने यहाँ पे दो तरह से लिया है एक है टू फिफ्टी ग्राम बोनलेस थाइस चिकन और दूसरा है फाइव हंड्रेड ग्राम ब्रेस्ट विथ बोन्स मैं दो तरह का चिकन यूज़ कर रही हूँ लेकिन अगर आप चाहें तो एक ही तरह का चिकन यूज़ कर सकते हैं सेवन फिफ्टी ग्राम इसके बाद मैंने चने की दाल ली है वन कप या फिर टू हंड्रेड ग्राम इसको आपने धो के एक घंटे के लिए भिगो देना है ताकि आपकी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए दाल को पीसते वक्त जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लें वो होंगे प्याज वन मीडियम आपने रफली सा चॉप कर लेना है इसके बाद आप डालेंगे इसमें पुदीना हाफ कप इसके पत्ते आप अलग कर लीजिएगा धनिया वो भी आप इसके पत्ते अलग कर लीजिएगा वन कप हरी मिर्च दो से तीन अदद ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कबाब को कोट करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होगी फ्राई के वक्त वो होंगे अंडे दो अदद। स्टेप वन की तरफ चलते हैं इसमें आपने सबसे पहले एक बर्तन में दो से तीन कप पानी लेना है इसमें आपने दाल डाल देनी है और चिकन डाल देना है ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने जितने भी मसाले हैं वो डाल दें आपने डालना है नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला लहसन के जवे अदरक साबित लाल मिर्चें सूखा धनिया ज़ीरा इसके बाद जो ऑप्शनल था हमारा आलू वो भी आप छील के काट के वो भी डाल दें अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है पकाना हमने इसको तब तक है जब तक कि हमारा चिकन अच्छी तरह गल ना जाए तो पहले हम चिकन को गलने देते हैं हम फिर अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं बीस मिनट तकरीबन इसको हो गए हैं और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरह गल गया है अब हम इसमें जो है चिकन निकाल लेंगे और बाकी तमाम मिक्सचर को इतना पकाएंगे कि पानी भी ड्राई हो जाए और दाल भी गल जाए ये जो चिकन हमने निकाला था इसे हम ठंडा होने देंगे और इसमें से हम ठंडा होने के बाद पहले हड्डियाँ निकाल लेंगे इसमें से मैंने हड्डियाँ निकाल ली हैं अब चिकन को छोटा छोटा मैं हाथ की मदद से रेशा कर लूँगी रेशा करने के बाद अगर आपके पास मोटर है या सिल है उसके ऊपर आपने इस रेशे को जो है अच्छी तरह से पीस लेना है इसके लिए आप फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा बेहतर है कि आप किसी मोटर में या सिल पे पीस लें इस अगर आप फूड प्रोसेसर में डालते हैं तो जल्दी तो हो जाएगा लेकिन उस तरह का फिर रेशा बनेगा नहीं ये स्टेप सिर्फ थोड़ा सा मेहनत वाला है इसी की वजह से यही आपका मेन स्टेप बनेगा तो इस पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसके बाद यहाँ पे दाल का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है अच्छा दाल के पानी में आपने थोड़ी सी नमी रखनी है बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क नहीं करना है दाल को क्यों क्योंकि उससे जब फिर चिकन हम इसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शामी जो है वो ड्राई राइस हो जाएंगे अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे ये दाल का मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है अब हम इसे फूड प्रोसेसर में डालेंगे और इसको पीसना है हमने इसके साथ हमने जो पीसने के टाइम पे मैंने आपको मिसाले बताए थे जिनमें था प्याज धनिया पुदीना और हरी मिर्चें ये भी साथ डालेंगे और इसको पीस लेंगे अगर आपके पास प्रोसेसर नहीं हो तो वही बात आप मोटर या सील पर भी इसको पीस सकते हैं और अगर इसी सूरत में आप फिर सब्जियों के साथ क्या करेंगे आप इनको बारीक चॉप करके फिर वो इस तरह से डालेंगे नहीं तो दाल को पीसने के लिए प्रोसेसर बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारा दाल का मिक्सचर बिल्कुल हो गया है अब हम इसे निकाल के एक बाउल में रख लेंगे और चिकन जो हमने रेशे वाला पीसा था वो भी इसमें शामिल कर लेंगे ये हमारा जो शामियों का मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार है आप ये इसकी सॉफ़्टनेस uh, भी देख सकते हैं इसका मिक्सचर देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई नहीं है नहीं तो फ़्राई के बाद वो बिल्कुल ही ड्राई ड्राई से हो जाएंगे तो इस तरह का मिक्सचर आपको भी तैयार करना है अब हम क्या करेंगे इसके कबाब तैयार कर लेंगे कबाब तैयार करने के लिए एक टिप है हमारे पास डिफरेंट किस्म की बॉटल्स होती हैं घर में आप उनके ढक्कन ले लेंगे ढक्कन आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं जितने साइज़ का आपने शामी को तैयार करना हो उस ढक्कन के ऊपर आप प्लास्टिक शीट डालेंगे प्लास्टिक शीट डालने के बाद इसको मिक्सचर को उसमें डाल के हाथ की मदद से इसको सेट करेंगे जब ये अच्छी तरह आप देखेंगे सेट हो गया शीट को आप जब पुल करेंगे तो कबाब आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा अगर आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जिस तरह से हमारे पेरेंट्स यूज़ करते करते थे कि आप हाथ की मदद से इसके कबाब बना लें आप वो तरीका भी कर सकते हैं या फिर बाज़ार में शामी बनाने के डिफरेंट मिलते हैं बर्तन वग़ैरह आप वो भी ले सकते हैं लेकिन वो एक्सपेंस पड़ जाएगा तो ये घर में आप लिट की मदद से आराम से इज़ीली शामी की शेप दे सकते हैं इस तरह से मैं ये सारे कबाब तैयार कर लूँगी अच्छा अगर आपको फ़ौरी फ्राई नहीं करने इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड अब मैं क्या करूँगी कि अंडों को अच्छी तरह से दो दर्द जो अंडे थे हमारे पास इसको मैं पीस लूँगी इसमें हम क्या करेंगे कबाब को डिप करेंगे और एक पैन में मैं कम ऑयल लेके इसको फ्राई कर लूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई फ्राई करना है आपने अंडे में डिप किया और ये ऊपर डाल दिया इसके जब एक साइड हो जाएगी तो फिर आप ये दूसरी साइड डाल देंगे इस मिक्सचर से आपके बीस से पच्चीस कबाब आसानी से हो जाएंगे ये मैं फ्राई कबाब मेरे बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हैं आप इनका कलर देख सकते हैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे कबाबों कबाब बना के बच्चों को अगर आप दें तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। दूसरा इन कबाब को आप किसी भी पुलाव या बिरयानी के साथ ज़रूर पेश करिए बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल वैसे बनेंगे जिस तरह से बाज़ार में आपको रेशे वाले बनते हैं तमाम स्टेप्स को फॉलो करिएगा उम्मीद करती हूँ आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगली वीडियो तक मैं चाहूँगी इजाज़त अल्लाह हाफ़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फ़ॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू